ऑल ट्रेडर्स वेलकम। सो डिस्कस करते हैं मार्केट्स में क्या हुआ और कल एक्सपायरी है, कल क्या मूव लग रहा है, एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं। मंडे को एक वीडियो शेयर हुआ था जिसमें मैंने बोला था कि इस एक्सपायरी तक जो व्यू है वो साइडवेज टू बेयरिश है। ओके, आज उसका लॉजिक शेयर करूंगा और आज बहुत स्ट्रेंज चीज हुई मार्केट्स में। ओके, और क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। देखो, मैं जो है ना, मैं विक्स को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली फॉलो करता हूँ। मैं विक्स के थ्रू व्यू बनाने का कोशिश करता हूँ कि विक्स क्या बोल रहा है, उस हिसाब से प्राइस क्या लगेगा। ओके, मंडे को सबसे पहली बात तो मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा रैली आ चुका। ओके, एक रैली आ चुका यहाँ पर, और लग रहा था एक रिट्रेसमेंट और क्या कंसोलिडेशन तो आएगा। कोई भी मार्केट एक तरफा मूव नहीं देता, ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन होगा, फिर देन अगेन ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन होगा। सेम ऐसे ही होता है, नीचे आता है, रिटेस्ट करता है या कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद वापस से फॉल आता है। ओके, तो ऐसे ही होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये नीचे फॉल आया, रिट्रेसमेंट दिया, देन फॉल आया। ओके, तो ऊपर गया, रिट्रेसमेंट दिया, फॉल आया, वो और ऊपर जाएगा। ओके, तो ऐसे ही मूव करता है। सबसे पहली बात, आज मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको। आज बहुत स्ट्रेंज चीज क्या हुई मार्केट्स में, मार्केट जो है कितना परसेंट अप है, देखो आप 0.5% अप है, 0.5%। बट आज विक्स भी 2.5% के आसपास, 2.48% अप है। और स्ट्रेंज बात है, ओके, कि विक्स भी ऊपर है, विक्स भी बढ़ा है आज और मार्केट भी बढ़ा है आज। जनरली होता क्या है, दोनों का रिलेशनशिप अपोजिट होता है। विक्स अगर बढ़ता है तो मार्केट गिरता है, या विक्स अगर गिरता है तो मार्केट बढ़ता है। बट बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, मतलब एक्सट्रीम केसेस होते हैं जहां पर विक्स भी बढ़ रहा है और मार्केट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो कि हायर लेवल्स पर ऑफ ईयर बढ़ता जाएगा। ओके, जैसे कि होता है ना कि जिसको फोमो है कि यार इतना रैली आ गया है, मिस कर चुके हैं, वो वापस से यहां पर एंटर कर रहे हैं, वापस से यहां पर लॉन्ग के लिए एंटर कर रहे हैं, और क्या होगा, एक कैंडल पूरा ले जाएगी, पूरा ले जाएगी। ठीक है, जैसे आज मैं आपको बताता हूँ और क्या हुआ। देखो, मैं तो बेयरिश साइड के लिए ट्रेड देख रहा हूँ। मैं अगर मेरा सेटअप में आता है तो मैं ये मैंने कुछ लॉन्ग नहीं गया। ओके, ये मैं बताता हूँ आपको, 2 दिन से ना मैंने ये वाला मूव कैप्चर किया। ओके, ना मैंने ये वाला पूरा मूव कैप्चर किया। ओके, मैंने क्या पकड़ा, मैंने ये वाला मूव पकड़ा। ओके, मैंने एक छोटा सा ये वाला मूव पकड़ा। ठीक है, क्योंकि मेरा व्यू क्या है, वही कि बेयरिश साइड ज्यादा है। ओके, क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा या कंसोलिडेशन करेगा। ओके, तो यहां मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस मूव में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि बाय ऑन डिप्स चल रहा है। ओके, सब कुछ पॉजिटिव है, डेली टाइम फ्रेम सब कुछ पॉजिटिव है, बट यहां पर क्या लग रहा है मुझे कि एक डिप तो आना है। ओके, अब सुनना हुआ क्या है। मैं आपको विक्स का 15 मिनट्स का चार्ट दिखाऊं, तो अगर आप देखोगे विक्स बहुत गिर चुका। ओके, ये विक्स जो है, अगर आप देखोगे यहां से एक तरफा गिरता हुआ आ रहा है, 28 मार्च से विक्स जो है गिरता हुआ आ रहा है। ओके, अब यहां पर मंडे को अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आया था विक्स में। बस मुझे लग रहा था कि यहां पर विक्स का जो है वो आई थिंक लो बन चुका होगा, और यहां पर विक्स हो सकता है एक ऊपर साइड मूव देगा, लग रहा है मुझे। तभी तो व्यू बनाया कि अगर विक्स ऊपर साइड का मूव देगा तो मार्केट जनरली साइडवेज टू बेयरिश ट्रेंड में चला जाएगा। ओके, तो यही व्यू था कि विक्स बढ़ चुका है। ओके, 15 मिनट्स में बहुत बढ़िया कैंडल आया है, ऑलरेडी गिर चुका है। ठीक है, विक्स या तो कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो विक्स अगर कंसोलिडेट करेगा तो हो सकता है निफ्टी भी कंसोलिडेट करे। ओके, और अगर विक्स बढ़ा तो हो सकता है निफ्टी गिर जाए, या निफ्टी बैंक निफ्टी गिर जाए। तो वही व्यू है कि अगर विक्स बढ़ेगा तो निफ्टी या तो कंसोलिडेट या फिर गिरेगा। ओके, बट आज क्या चीज हुई यहां पर, अगर आप देख लें यहां पर क्या हुआ। पहले मैं कल का एग्जाम्पल लेता हूं, ट्यूजडे 11 अप्रैल। ओके, अगर आप देखोगे यहां पर विक्स ने यहां पर गिरा, कब गिरा विक्स, विक्स गिरा 1 बजे के बाद। ठीक है, अपन मान लेते हैं 1 बजे के बाद विक्स गिरा, विक्स ने गिरना चालू हुआ और ये गिरा 315 तक। ओके, तो ठीक है, विक्स गिरता है तो क्या होता है, जनरली मार्केट ऊपर जाता है। तो यहां पर भी देख लो, ये जेन्यून है, एकदम जेन्यून है कि यहां पर विक्स गिर रहा है और यहां पर मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, एकदम ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, मुझे एकदम सही है। अब आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, विक्स बढ़ रहा था। आप ये देखो आज क्या हुआ, विक्स बढ़ रहा था। जनरली क्या होना चाहिए, विक्स अगर बढ़ रहा है तो मार्केट को क्या होना चाहिए, मार्केट को गिरना चाहिए। ठीक है, बट मार्केट भी क्या कर रहा था, मार्केट भी बढ़ रहा था, ये पूरा मार्केट बढ़ाएगा। ये मार्केट उस केस में बढ़ा जब विक्स भी बढ़ रहा था, तो यहां पर मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं था, मुझे लग रहा था ये फेक मूव ना।
ओके और जब ये लग रहा था फेक मूव ना हो, तब जाके जब यहां पर एक पैटर्न दिखा हमें, एक पैटर्न दिखा, ये फॉल आया, ये फॉल आया, तो यहां पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग का मूव पकड़ा था, ओके और वो भी यहां पर निकल गए थे, एग्जिट कर गए थे, क्यों? क्योंकि यहां पर एक ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट टेस्ट हो रहा था, तो ऐसा ना हो कि वापस से ऊपर चला जाए, ओके तो बस यही स्कैल्पिंग किया था। कहने का एनालिसिस ये है कि आप समझो, विक्स आज ऊपर है और निफ्टी भी ऊपर गया है, मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ओके कल और क्लियर होगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ लॉन्ग के लिए, ठीक है, यहां से 200 पॉइंट और बढ़ जाएगा कोई मतलब नहीं है, मुझे मुझे देखना ही नहीं है, बट जब तक मेरे को वापस से मेरा विक्स नहीं बोलेगा कि हाँ अब वापस से विक्स कूल डाउन हो रहा है और फिर प्राइस ऊपर जाने को तैयार है, तब जाके मैं लॉन्ग्स के लिए देखूंगा, बट इस लेवल पर तो बिल्कुल नहीं। ओके ठीक है, अब देखते हैं क्या लग रहा है आगे। ओके 17,800 फाइनली निफ्टी ने टेस्ट किया है और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ रहे हैं, अगर आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, बिना रिट्रेसमेंट के प्राइस भगा जा रहा है। ओके और थर्ड वेव चल रहा है, थर्ड वेव में ऐसे मूव आते हैं, ओके ये 1 2 ये पूरा थर्ड वेव है। अब ये देखो, एक रेजिस्टेंस पहले ये लग रहा था 17,500 600 के आसपास आएगा, वहां पर क्या हुआ उसको भी ब्रेक किया, देन अब लग रहा है 17,800 एक रेजिस्टेंस है, कल देखना होगा कि 17,800 पर कैसे रिएक्ट करता है। ओके आज तो क्या छू के वापस से नीचे आया था, वापस से ऊपर चला गया, तो बेसिकली आज 17,800 के आसपास ही उसने क्लोजिंग दिया है। ओके कल बहुत इंटरेस्टिंग होगा, थोड़े टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या लग रहा है। देखो ये पूरा चैनल में चल रहा है, ये पूरा चैनल में चल रहा है, ये पूरा चैनल में चल रहा है। ओके अगर आप देखोगे ओके पूरा चैनल में चल रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ओके फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, साइडवेज हो रहा है, ठीक है, तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैनल का जहां भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, वहां पर ब्रेकडाउन आएगा तो एक मूव मिल सकता है। ओके और दिखाता हूं मैं, और क्या दिख रहा है मुझे, पहली बात तो मुझे एक ये पैटर्न दिख रहा है, ये मार्क कर देता हूं, ये एक राइजिंग वेज जैसा पैटर्न दिख रहा है मुझे, प्राइस ऊपर जरूर जा रहा है बट उसमें सेंट नहीं है। ओके प्राइस जा ऊपर है लेकिन उसमें सेंट नहीं है, हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए, थोड़ा और ऊपर जाए, बट ये जब भी गिरेगा, तो इसमें डेफिनेटली फॉल आएगा, और कितना फॉल आ सकता है, इतना ही लगभग फॉल आ सकता है, तो जब भी गिरेगा तो 17,697 तक एक फॉल देखने को मिल सकता है। ओके तो ये एक पैटर्न नजर आ रहा है मुझे। उसके बाद लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आज भी क्या हुआ अगर आप देखोगे, निफ्टी ने यहां पर एक रिजेक्शन लिया, प्राइस ने फॉल दिया। ओके प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये देखो ये कैसा टाइम पास कर रहा है, कोई भी लेवल के ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। ओके ये देखो ये फॉल आया, ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल है। ओके प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो ये चल रहा है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आया, देन मूव आया, मूव आने के बाद ये वापस से यहां पर आया, अब ये हो सकता है ये रीटेस्ट कर रहा हो। ओके उसके बाद रीटेस्ट करा, नीचे आया, उसके बाद वापस से 3 बजे का जोर का बाइंग आया। ओके तो ये इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जोर का बाइंग आएगा कि वापस से 820 के आसपास ले जाएगा, मुझे लग रहा था ठीक है बाइंग आएगा तो कहीं ना कहीं यहां तक 800 से नीचे ही, ओके 790 या 795 के आसपास तक ही ये ले जा पाएगा, बट इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आया कि 820 तक ले गया। ओके तो बायर्स भी आ रहे हैं बट अगर आप देखोगे सेलर्स भी आ रहे हैं, सेलर सही लेवल का वेट कर रहे हैं, देखो कितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए यहाँ पर, आप देखो खुद ही कितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए यहाँ पर, बट बायर्स भी प्राइस को ऊपर ले गए। ओके सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो मैं अब मैं भी वेट कर रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में सेलर्स आए और प्राइस को नीचे क्लोज करवाएं, क्योंकि मार्केट की फितरत ही ऐसी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ओके रीटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वही चीज मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर है, इसको रीटेस्ट करना बनता है, अब वो कल करेगा, कल एक्सपायरी हो सकता है, कल एक अच्छा मूव मिल जाए क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, कल एक्सपायरी वाला दिन फ्राइडे को हॉलीडे, तो कल मार्केट में क्या हो जाए, एकदम प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और मार्केट गिर जाए, हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी है। ओके हो सकता है 1 बजे के बाद गिरे, हो सकता है 1:30 2 o'clock पे गिरे, ओके वो गिरेगा, बस वो दिख नहीं रहा अभी चार्ट पर, बट वो आएगा। ओके
ठीक है ओके। बाकी ये लेवल एक लगा हुआ 17,800 और 826 ओके, आज का हाई अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मार्क कर सकते हैं आप, और 17,770 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये एक रेंज मिल गया मेरे लिए। उसको अगर ब्रेक करता है देन जो नेक्स्ट लेवल आएगा 17,733, 733 एक इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए। उसके बाद लो, आज का लो, आज का लो अगर बात करें 715 या 717 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है ओके। ठीक है तो ये लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं सपोर्ट लेवल्स, और अगर इसको भी ब्रेक किया 700 तो नेक्स्ट लेवल है 660 के आसपास मुझे एक लेवल नजर आ रहा है ओके। इसको हटा देता हूँ ट्रेंड लाइन को, ठीक है ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न चल रहा है, चैनल चल रहा है ओके। ये चैनल को ब्रेकडाउन आके रीटेस्ट करता है, सपोज ये ब्रेकडाउन आया रीटेस्ट करा देन वापस से एक फॉल मिलेगा और इस लेवल तक आ सकता है ओके। ठीक है बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी बहुत बेकार प्राइस एक्शन है बैंक निफ्टी का। आप देखो कोई मूव नहीं है बैंक निफ्टी में, क्या चल रहा है आप, ऐसा कैंडल्स आ रहा है कि देखने का इच्छा ना हो। अभी देखो ये क्या पैटर्न, ये क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में, देखो कोई मूव ही नहीं है बैंक निफ्टी में, कोई मूव नहीं है बैंक निफ्टी में, ठीक है ये एकदम साइडवेज टू अप ट्रेंड जा रहा है, जैसे बोल रहे हैं कि एकदम साइडवेज हो गया बट जा ऊपर रहे, लेकिन साइडवेज है इसेंट नहीं है ओके। जबकि हम तो कैसा मूव देखा है, हमने तो ऐसा ऐसा मूव देखा है ओके। तो ये ट्रेंडिंग मूव आते हैं, ऊपर साइड मूव आते हैं, बट ये क्या हो रहा है, ये अभी भी ये जा ऊपर रहा है बट इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है ऐसा मुझे दिख रहा है ओके। ठीक है तो वही है, अगर विक्स बढ़ा तो डेफिनेटली इसको गिरना चाहिए, गिरना इन द सेंस में फॉल का नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रिट्रेसमेंट, क्योंकि ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पे बड़ा ग्रीन कैंडल से, बहुत ज्यादा ग्रीन कैंडल से मार्केट एक तरफा मोमेंटम में भाग चुका ओके। तो मार्केट को रिटेस्ट करना चाहिए ओके। लेवल्स की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में, आज का हाई, हाई और लो तो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं ओके। एक ये लेवल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये लेवल है 14,416 ओके, 14,416 या 400 के आसपास ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 41,600 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद जो लेवल्स की बात करते हैं, आज का लो आई थिंक 41,336 के आसपास का एक लेवल है जो इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है अपना 41,240 के आसपास ओके। तो ये मुझे लग रहा है मेजर सपोर्ट से नीचे साइड के लिए। रेजिस्टेंस की बात कर ले तो 41,700 देन उसके बाद 42,000 तक के आसपास का रेंज ओपन हो जाएगा ओके। तो कल देखते हैं मार्केट कैसा ओपन हो रहा है, और अकॉर्डिंगली मैं वेट कर रहा हूँ डिप का ओके। बाकी देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन बनता है, अकॉर्डिंगली वैसा देखेंगे ओके। तो ठीक है आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।